वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूले और वीडियो को भी लाइक करें। तो कैम छो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार अलौकिक बान की चैनल पे, और मैं हूँ आपका दोस्त अलौकिक। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोनोकाइट मांजा या फिर मोनोफिल जो मांजा है उसके बारे में, और अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सब पता चल जाएगा कि इस वीडियो को मैंने क्यों और किस लिए बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि मोनोकाइट फाइटर ले लो या फिर मोनोकाइट मांजा या फिर मोनोफिल मांजा ले लो, उसकी ट्रेंड अभी बहुत ही कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको ऐसे भी पता है कि यह जो मांजा होता है वह प्लास्टिक से पूरा बना होता है और वह इतना मजबूत होता है कि उसको कैंची से ही काटा जा सकता है, और कहीं उस पर इंसानी उंगली लग गई तो इंसानी उंगली भी पूरी कट जाती है, दो हिस्से हो जाते हैं। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पे, जीव जंतु वो पे। मेरे को पता है कि आपको लगेगा कि ये फालतू की बात कर रहा हूँ और ये कुछ बोरिंग लगेगा, पर प्लीज़ थोड़ी दो मिनट मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख ले, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन और काफ़ी इल्लीगल तरीक़ों से भी अभी भी आज की तारीख में भी मिल जाता है आपको मोनोफिल मांजा, जो कि पूरा इल्लीगली बैन कर दिया गया है इंडिया में। और कोई भी हमारा एक्स वाई जेड कोई भी मांजा ले ले, उस पर हमेशा ज़रूर लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट यूज फॉर फ्लाइंग काइट्स, क्योंकि जो ये डोरी होती है, ये मांजा होता है, वो पैराग्लाइडिंग, पैरा रोपिंग या फिर जो प्रोफेशनल काइटर्स होते हैं जिनको एक साथ 100 पतंग उड़ाने होते हैं और उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वह इस डोरी में पाई जाती है, और यह वह प्रोफेशनल किसी को काटने के लिए नहीं यूज़ करते, पर हम मज़ा करने के लिए, हमारी पतंग काट ना सके इसलिए हम ये मोनोफिल यूज़ करते हैं। और अभी इस उत्तरायण 2018 के उत्तरायण में बहुत ही ट्रेंडिंग हो चुका है यह मोनोफिल। एक कोई भी रखते हो उस पर तीन तीन चार चार लाख व्यू आ जाते हैं। मैं कोई भी ये वीडियो व्यू के लिए नहीं रख रहा, पर आप सिर्फ यह जो तस्वीरें हैं वो देख के थोड़ी दया खाए इनके ऊपर, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत ही हानिकारक है, पर हमसे ज़्यादा इन पे जो हमारे पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मोनोफिल यूज़ करें, पर जहाँ पे जो आवक जावक ना हो इस पशुओं की, वहाँ पे यूज़ करें। और अगर आपको बड़े बड़े पतंग जगाने हो जो मतलब जिसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तब इसको यूज़ करो। मज़ा लेने के लिए बिल्कुल प्लीज़ ना यूज़ करो, क्योंकि इन पर बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। और काफ़ी सारे मेरे एनालिटिक्स के हिसाब से एक उत्तरायण में पूरे सिर्फ गुजरात में लगभग 518 पशु पक्षियों की मौत हो जाती है और 2000 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, और प्लीज़ 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 आप दो बार सोचें इस मांजे को यूज़ करने से पहले। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि पूरे भारत में सभी लोगों के बीच यह बात फैल जाए और जागरूकता पैदा हो जाए, और कोई भी ऐसा यूज़ ना करे ताकि कोई भी जीव जंतुओं को नुकसान हो इससे या फिर कोई इंसान को। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो